वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो हमारे घर में ना चूहों का बहुत ज़्यादा आतंक मचा हुआ था, मतलब इतने ज़्यादा चूहे हैं, जो कि आपने शायद पिछले ब्लॉग में देखा भी होगा कि इतने, मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे में मिले थे और हर स्टेज में मिले, मतलब इससे छोटे, इससे थोड़े बड़े भी। आपको शायद स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे उनके फुटेज। कौन तो इस तरह का आतंक, मतलब हम चलते थे, हम कहीं एक रूम से दूसरे रूम निकलते थे तो वो लोग ऐसे टकरा जाते थे, हमारे पैरों पे चढ़ जाते थे, इतने ज़्यादा थे। तो हमने डिसाइड किया कि यार इसका कुछ तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो हमारे छोटे चाचा ने ये मंगाया अमेज़ोन से, तो अब इसका हम यूज़ करेंगे और देखते हैं कि क्या हम वो चीज़ रिकॉर्ड कर पाते कैमरे कि नहीं। तो चूहा पकड़ो अभियान की शुरुआत हुई किचन से। हमने सबसे पहले चारा लगाया ट्रैप में और ट्रैप को किचन में ऐसी जगह पर रख दिया जहां अक्सर चूहे आया जाया करते थे, और हम वहीं पास में अपने काम में बिजी हो गए, जो काम था हमारा दूध उबालना और दही जमाना। पर हम जैसे ही अपने काम में थोड़ा सा मशगूल क्या हुए कि हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो देखते हैं कि चूहा ऑलरेडी ट्रैप में आके चुपचाप रोटी खा रहा है। मुझे लगा कि चलो कुछ नहीं, अब फ्लैप गिरेगा, लेकिन पर गिर नहीं रहा। अरे गिर नहीं रहा, वो बंद नहीं हो रहा। अभी थोड़ा हिलाएगा ना तब तन का ठेका लग जी, तो जल्दी गिर जाए। तन का ठेका है, मैं ध्यान से तन का ही ठेका के रखा था। गिरे तो गिरेगा, गिरेगा। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। अब इसके आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, क्योंकि पहली बात तो मुझे यही विश्वास नहीं हो रहा था कि यार मैंने इतना गंदा सेट किया कि यार ये सक्सेसफुल हो ही नहीं रहा, मतलब ट्रैप काम ही नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये कि अगर मैं उसके पास बढ़ूंगा तो कहीं चूहा डर के भाग ना जाए और फिर वापस ना आए। आप लोग को पता नहीं अभी दिख रहा है कि नहीं रहा, अगर आप लोग 1080p में देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा, पर आगे अभी और क्लियर फुटेज है। अभी बाकी है, अभी तो बहुत नहीं, अंदर ही है, अंदर ही अभी भी खा रहा है। फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने प्लान चेंज किया, हमने चारा चेंज किया और हमने फ्लैप को वापस सेट किया, और फिर आया डी डे। एक मिनट, क्या मतलब यार, हमारा सेकेंड ट्राई भी बुरी तरह फेल हुआ है और फ्लैप फिर से नहीं गिरा है। और देखो क्या मज़े से चूहा खा रहा है, मतलब आ हा हा, मतलब चूहा इज़ लाइक वाह बेटे मौज करा दिया आज तो, वाह बेटे तम तो हैवी रैट कैचर निकले हैं। मतलब अब मैं पूरी तरह समझ गया था कि टॉम को कैसा फील होता होगा टॉम एंड जेरी में। तो इस बित्ते भर के क्रिएचर से अपनी घनघोर बेइज्जती कराने के बाद हमने सोचा कि हमें ट्रैप का जो हुक है और बारीकी से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से तो आप देख पा रहे हैं कि काम नहीं बन पा रहा है। देख रहे हैं किस तरह वो, मतलब रोटी पकड़ के झूल गया है, रोटी छोड़ के वो पिंजरे का निरीक्षण करने बैठ गया, आप देख रहे हैं आप। और फिर खा पी के मैडम निकली हज को। लेकिन अब समय था बदले का और अपने प्लान को वापस से रिस्ट्रक्चर करके नए सिरे से हमला बोलने का। मतलब देख रहे हो क्या चिढ़ा रही है, मतलब वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई नेक्स्ट अटैक, बड़े ही इत्मीनान से आज़ादी के साथ वो उसी जगह पे घूम रही थी जहाँ अब से कुछ देर बाद वो ट्रैप मिलने वाली है। फाइनली हमने अपना खुराक चेंज किया और इस बार खुराक में था नून रोटी। जी हाँ दोस्तों, घी नून रोटी। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। ध्यान से देखिएगा, आइए आपका इंतजार था, आइए आपका
इंतजार था, देर लगी पर मिशन सक्सेसफुल। मजा आ गया, काफी ट्राई करने के बाद आज यहाँ हाथ लगा है। अब ये अब आया है चूहा पहाड़ के नीचे। चल कर डाल इसका। इससे कुछ नहीं होगा भाई, वो he will act dead और फिर तू जैसे ही बाहर करेगा वो भाग जाएगा। प्योर टॉम एंड जेरी वाला जेरी नहीं चाहिए। ला मैं कर दो ला। ये मर गया मर गया। ऑलमोस्ट। अब धड़कने तो चल रही है उसके, मुझे यहाँ से दिख रहा है। मतलब कुछ चंद सांसे दिया बुझने से पहले जो भौंकता है। ऐसा ऐसा फुल ताकत। इधर टूट भी बोल रहा है, इसको भी देखना बंद। बंद कर, तू उल्टा क्यों घुमा रहा है? बंद नहीं करना है भाई। ये एक शेफ हो सकता है न्यूयॉर्क का। ये सब से उसको मसाज लग रहा होगा भाई। ये सब थप थप गिर रहा है। अब क्या चाहिए तुझे? अब गया लग रहा है। ला मैं कर, चला एक फिनिशिंग टच दे देता हूँ। कामयाब है। हाँ सेटल डाउन।